बौद्ध ऋषि नाम के एक ऋषि थे। कौन थे? धौम्य नाम के एक ऋषि थे और उनका शिष्य था, यानी उनका स्टूडेंट था अरुणी। उसका नाम था अरुणी। अभी भी बारिश के दिन है, तभी भी बारिश हो रही थी। गुरु ने कहा, अरुणी जंगल में जाओ और अपने लिए कुछ लकड़ियां लेके आओ, क्योंकि बारिश हो रही है। खाना तो तभी तो गैस नहीं थी, स्टोव भी नहीं था, खाना कैसे बनाते थे? तो खाना लकड़ी जला कर चूल्हे पे बना है, तो उसके लिए तो लकड़ियां चाहिए। धौम्य ऋषि ने कहा, अरुणी अब जंगल में जाओ और लकड़ियां लेकर आओ। गुरु की आज्ञा है, वो तो माननी ही पड़ेगी। ठीक है, जी हाँ, मैं जाता हूँ। थोड़ा अगर मेरा हिंदी इधर उधर हो गया तो समझ लेना। ठीक है, अरुणी जंगल में चला गया। तो पहले टिफिन है ना, वो ऐसे डब्बे में नहीं लेके जाते थे, एक क्लॉथ होता था उसमें अपना रोटी जो भी है सब्जी वगैरह वो बांध के लेके जाते थे। वैसा वो चला गया जंगल में, लकड़ी तोड़ तो ली, उसकी वो मूली भी बांध के रखी और थक गया था, इसके लिए एक पेड़ के नीचे बैठ थोड़ा आराम करता हूँ, फिर घर पे जाऊंगा, आश्रम में जाऊंगा। लेकिन उतने में ही ऐसा हो गया कि बादल गरजने लगे, बारिश आना शुरुआत हो गई। फिर अरुणी ने वह लकड़ी ऊपर माथे पर के ऊपर रखी और चलने लगा। बारिश इतनी जोर से होने लगी कि वहां पर एक डैम बना हुआ था और डैम को पानी रोकने के लिए मिट्टी लगाई थी। जोरों की बारिश और हवा, इसका परिणाम यह हो गया उसमें से जो पत्थर थे वो निकल गए और वो डैम को एक होल हो गया। अरुण ने देखा, अरे ये डैम तो फूट गया, अब क्या करेंगे? अगर पानी बह गया तो हमें पानी नहीं मिलेगा। उसने क्या किया, इधर उधर के बड़े बड़े पत्थर लिए और उसके लगा दिए, लेकिन पानी का प्रेशर इतना था कि वो भी सब बहने लगे। पानी रुकने नहीं पा रहा, फिर क्या करे? उसने कुछ ऐसे पत्थर लगे रख के वो खुद उस पे लेट गया, जहां पर होल था ना वहां पे लेट गया ताकि पानी रुक सके। ऐसा होते होते शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन वो वहां से हटा नहीं। फिर गुरुजी ने बोला, अरे सब बच्चे आ गए, अरुणी क्यों नहीं आया? रात हो चुकी थी, सब लोग उसको क्या बोलते हैं मराठी में, कंदील बोलते हैं, लालटेन होते हैं, वो लेके जंगल में चले गए उसको ढूंढने के लिए। कहाँ गया कहाँ गया? पहले तो शेर वगैरह थे, उसको अगर शेर गिरने तो नहीं खा गया, हो सकता है। लेकिन सब गए तो वो चिल्ला रहे हैं, अरुणी आप कहाँ हो, अरुणी आप कहाँ हो। वो इतना थक गया था वो पानी का प्रेशर लेने से कि उसे मैं यहाँ हूँ यह बोलने की आवाज ताकत भी नहीं थी उसको। फिर भी ऐसे तैसे उसने बोला कि मैं यहाँ हूँ। कहा तो भी बाहर इसकी आवाज सुनाई दी, सब बच्चे उधर गए, देखा तो अरुणी लेटा हुआ था। क्यों लेटा हुआ था? तो वह अगर जो बांध है, जो डैम है, वो अगर टूट गया तो पूरा नुकसान हो जाए और लोगों को पानी नहीं मिलेगा। आप यहाँ क्यों रुके हो? तो उसने कहा था कि गुरु ने यह मुझे बोला था, लकड़ी लेके आओ, पर उसके पहले मुझे गुरु ने बोला था कि समाज की सेवा बहुत जरूरी है। इसीलिए अरुणी ने क्या किया, वहां से वो उठा नहीं। तब तक बारिश कम हो गई थी लेकिन उसके शरीर में ताकत नहीं थी,
एनर्जी नहीं थी उठने की। फिर सब बच्चों ने उसको उठाया, फिर बारिश कम हो गई, फिर उसने वो पत्थर मिट्टी डाल के फिर वो पैक कर दिया डैम, जिसकी वजह से पानी ज्यादा निकल नहीं पाया। यानी मुझे ये कहना है कि समाज के प्रति हमारा जो लेन देन है वो हमें संभालना चाहिए, समाज की चिंता हमें करनी चाहिए, जो कि आज हम नहीं करते हैं।